दिल्लीतील शेतकरी संघटनेच्या संयुक्त बैठकीमध्ये सरकारकडून प्राप्त झालेला प्रस्ताव एकमताने नामंजूर करण्यात आला। आणखी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेले आहेत। 12 डिसेंबर पासून राजस्थान हायवे अर्थात गुडगाव बॉर्डर जाम करणार आणि सर्व टोल नाके फ्री करण्याचे आंदोलन, तर 14 डिसेंबर रोजी सर्व बॉर्डर्सवर आंदोलक एक दिवसीय उपोषण करणार आणि याच दिवशी देशभरात जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर धरणं आणि लाक्षणिक उपोषण करण्यात येणार आहे। तसंच सर्व शेतकऱ्यांनी रिलायन्स जिओ सिमवर बहिष्कार टाकावा असं आवाहनही करण्यात आलंय। दिल्ली के आसपास के राज्य ये बहुत जबरदस्त तरीके से और दिल्ली के सभी हाईवे रोकेंगे। 14 तारीख से पूरे देश भर में एक जबरदस्त धरने पूरे जिला लेवल पे होंगे। जियो का सिम और अंबानी और अदानी के सभी जो पेट्रोल पंप और बाकी सब है उसके ऊपर बॉयकॉट पूरे देश का किसान और जनता ये करेगी। ये है हमारा पूरा ये मकसद इस आंदोलन को और ज्यादा तेज करने के लिए। जनता इस आंदोलन को जैसे भारत बंद को समर्थन किया वैसे ये आंदोलन को भी और ज्यादा समर्थन देंगी, ये विश्वास हमें सबको है। विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेऊन नवीन कृषी कायद्यांबाबत चर्चा केली। या बैठकीनंतर नवीन कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी या शिष्टमंडळाने केली। जर शेतकरी हिताचे कायदे आहेत तर मग शेतकरी रस्त्यावर कसा असा सवाल काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी विचारला। तर या शिष्टमंडळामध्ये राहुल गांधींचं शरद पवार सीताराम येचुरी डी राजा यांनी त्यांचाही समावेश होता। हा कायदा शेतकऱ्यांच्या हिताचा नसल्याचं राष्ट्रपतींना निदर्शनास आणून द्यायचं असल्यामुळेच कोविंद यांची भेट घेतल्याचं पवारांनी सांगितलं। ये जो बिल पास किए गए हैं ये किसान विरोधी बिल है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बिल किसानों के हित के लिए है। सवाल उठता है कि अगर ये बिल किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पे क्यों खड़ा है, किसान इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि इन बिलों का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी के मित्रों को हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो पकड़ाने का है और किसान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गया है।